गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात को लेकर असमंजस्य में है कि आखिर इस समय हमें टाइपिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए कि जितने भी स्टूडेंट हैं, हम मान लीजिए कि आपने कहीं से कट ऑफ देखा और कट ऑफ में आपको ये मिला कि भाई जो ओबीसी का कट ऑफ है या फिर जो जनरल का कट ऑफ है, आपने किसी वीडियो में देखा और उसमें 90 और 95 की बात चल रही है, ठीक है, और आप जो है इसके बीच में हैं या आपके 100 है बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं होगा, या फिर आपके मान लीजिए 110 है और आपको लगता है नहीं होगा, ठीक है। मैं ये वाला एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी में अलग अलग तरह से कंफ्यूज है। अब ये जो कंफ्यूजन है इसको कैसे खत्म किया जाए, हमें टाइपिंग करना या नहीं करना, इसका आंसर क्या होगा और इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकले, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जितनी भी बातें फैक्ट और डेटा के ऊपर करनी चाहिए, तो सबसे पहली बिंदु ये है कि अगर कोई भी टाइपिंग टेस्ट होता है, अगर कोई भी टाइपिंग टेस्ट होता है तो टाइपिंग टेस्ट में नियर नियर 42-45% बच्चे जो होते हैं वो टाइपिंग में जाकर फेल होते हैं। टाइपिंग में जाकर क्या होते हैं, फेल होते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स वाले बच्चे जो है वो टाइपिंग में जाकर फेल होते हैं। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए और ऐसा ना हो कि आप इस कैटेगरी में शामिल हो जाएं। आपके 90 मार्क्स है, आपके 95 है, आपके 80 है, 70 है, 110, 120 कितने भी नंबर होंगे, बट जिस समय आपका टाइपिंग कोर्स होगा उस समय आप इस कैटेगरी में शामिल नहीं हो जाए, पहले तो बात ये समझिए। दूसरी बात, टाइपिंग कॉल के बाद कितना टाइम मिलेगा, हो सकता है आपको सिर्फ 20 दिन मिले, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 15 दिन मिले, ऐसा भी हो सकता है 1 मंथ मिले, लेकिन ये जितने भी टाइम ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इवन अगर 1 मंथ भी मिल पाए, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले कभी टाइपिंग नहीं की है उनको दोनों टाइपिंग करना है, उनको हिंदी भी करना है और उनको इंग्लिश भी करना है, इंग्लिश भी करना है। और पुराने जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बता रहा हूँ, बहुत बार बच्चे के साथ हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन बच्चा ड्यू टू टाइम उसको बार बार ये फीलिंग आता रहता है अब तो कम टाइम बचा है, अब तो कम टाइम बचा है, कैसे होगा, और इस कारण से वो जो 2020 की क्राइटेरिया है उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाता। बहुत बार बच्चा कहता है भाई 20 स्पीड तो मेरी अभी है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम भी गया और वहां फिर बाहर आके वो बच्चा बोलेगा कि सर मेरा तो कीबोर्ड ही खराब आ गया था, सर मैं क्या बताऊं मेरा तो कीबोर्ड चल ही नहीं रहा था, सर मेरे तो ये बटन मार ही नहीं रहा था। ये इतने सारे जो आप कारण बताएंगे उनका कोई सेंस नहीं रहेगा, जब टाइपिंग हो जाएगी तो आपकी ये बात कोई भी नहीं सुनने वाला। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप यहाँ 2020 शब्द 20 WPM नहीं मान के 30 WPM मानकर चलिए। अगर आप 30 WPM मानकर चलेंगे और आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे दोनों में 30+ 30+ की स्पीड चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां कीबोर्ड कैसा भी आए, किसी भी तरह का कीबोर्ड आए, आपकी जो 20 की स्पीड है वो तो आएगी ही आएगी, कंफर्म आएगी। इसलिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो बच्चे अभी बहुत बेसिक समझ रहे हैं कि ठीक है टाइपिंग को कर लेंगे, उनको नसीहत है कि वो अभी से टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। अब मान लीजिए सर आपको ये फीलिंग आती है कि मेरा टाइपिंग कॉल तो हो जाएगा, पता नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर आपको लगता है टाइपिंग कॉल होगा भी नहीं या नहीं होगा, इस विचार में आप अटके हुए हैं और आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि मैं टाइपिंग शुरू करूं या नहीं। ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, अभी जो आपके आईए का सिलेबस रहा है रिटन एग्जाम का, ऐसी ही एक दूसरी रिक्रूटमेंट है जिसका नाम है सिस्टम असिस्टेंट, जिसका नाम क्या है, सिस्टम असिस्टेंट। और जो सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती है, जो सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती है, इसके लिए मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या बताना है कि भाई अभी जो रिक्रूटमेंट है प्रेजेंट में इसकी रिक्रूटमेंट है और रनिंग में चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोस्ट है अभी वो बहुत कम है ऐसा मान के चलते हैं आईए के कंपेरेटिवली, लेकिन इसमें जो रिटर्न एग्जाम है वो तो 100 मार्क्स का है, जो रिटर्न है वो 100 मार्क्स का है, और इसमें जो टाइपिंग और एफिशिएंसी है, टाइपिंग और जो एफिशिएंसी है वो 100 मार्क्स की है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आप आईए में
बहुत डेडिकेटली मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से टाइपिंग करेंगे, तो ये 100 मार्क्स हो सकता है आईए में किसी कारणवश आधे एक नंबर से आपका नहीं हुआ, लेकिन यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कारण क्या है? आपने बहुत ईमानदारी से टाइपिंग की, बहुत लगन के साथ टाइपिंग की, तो यहाँ आपको 50 मार्क्स टाइपिंग के मिलने वाले हैं, 50 मार्क्स एफिशिएंसी के मिलने वाले हैं। एफिशिएंसी ऐसी चीज है जो 7 दिन में सीखी जा सकती है, लेकिन टाइपिंग के लिए टाइम चाहिए। टाइपिंग के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है आपको, और टाइपिंग के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है, इट मीन्स यहाँ पर नंबर अगर आपको लेकर आने हैं तो आप टाइपिंग बहुत अच्छी करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो दो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, आप टाइपिंग ये सोच के करिए मत कि क्या होने वाला, आप ये सोच के करिए कि पहली बात तो मैं एक स्किल सीख रहा हूँ, पहली बात तो मैं क्या सीख रहा हूँ, एक स्किल सीख रहा हूँ, और दूसरी बात अगर मेरे आईए में काम आएगी, ये तो प्राइमरी है कि आईए में तो काम आना ही है, इसके अलावा मेरे पास ऐसे जो एग्जाम है उसमें भी मुझे ये टाइपिंग काम आने वाली है। और ऐसे बच्चे जो आईए के एग्जाम अभी दिए और किसी कारणवश कम नंबर बने हैं, कुछ भी कारण रहा हो, मैं उनको एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है? 980 पोस्ट, कितनी? 980 पोस्ट जो है, 980 पोस्ट जो है वो ऐसे की आने वाले समय में आपके सामने हो, हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट की 980 पोस्ट और 980 प्लस हो सकती है, 980 प्लस पोस्ट जो है आने वाले समय में इसका रिक्रूटमेंट जो है वो आपके सामने हो। तो आप ये सोच के मत करिए टाइपिंग की क्या होगा, आप ये सोच के टाइपिंग करिए कि टाइपिंग इसमें भी काम आएगी, कारणवश अगर इसमें नहीं हुआ तो आगे मेरी टाइपिंग जरूर काम आएगी। 980 प्लस पोस्ट की जो ऐसी की रिक्रूटमेंट है वो आपके सामने आएगी, तो भाई पूरी जान लगाकर करिए। और अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे कैंपस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेडिकेटली टाइपिंग के लिए कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं। कैंपस में जो टाइमिंग होता है होता है 8 AM से लेकर 6 PM तक, ठीक है? ये टाइपिंग का टाइम होता है। अगर आप 24 आवर्स करना चाहेंगे ना तो इंस्टीट्यूट अलाउ करता है आपको 24 आवर्स आप कर सकते हैं। हर एक बच्चे के लिए सेपरेट एक सिस्टम होगा और उस पे सुबह से शाम तक वही बिठेगा, कोई शिफ्ट वाला काम नहीं है, कोई 1 घंटे 2 घंटे वाला सिस्टम नहीं है, मॉर्निंग टू इवनिंग कॉन्टिन्यूसली एक ही बच्चा एक सिस्टम पे काम करेगा। सर इसकी फीस कितनी है? मैं फीस भी बता देता हूँ, अगर आप आने का प्लान करते हैं, 5,000 इसकी फीस है, 5,000 इसकी फीस है। सर लोकेशन क्या है? लोकेशन है विनर्स चॉइस डीलवाला, विनर्स चॉइस डीलवाला, ये इसका लोकेशन है। डीलवाला आके आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो, गूगल क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली गूगल कर लीजिए बीरबल सर, बीरबल सर, आप मेल पे जो बीरबल सर डालेंगे तो आपके सामने लोकेशन आ जाएगा। और इसके बाद में भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं, 7742748581। तो जो हमने पीछे की वीडियो में कटऑफ्स बताए हैं उसके अंतर्गत अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, किसी तरह की गलती मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो सिर्फ पछतावा बचेगा, इसलिए ऑनेस्टली डेडिकेटली काम करिए। जरूरी नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट से करें, आप कहीं से भी करिए, आप घर बैठ के करिए, लेकिन आप मेहनत करिए, आज से ही शुरू करिए। आप किसी भी जगह पर है वहां से शुरू करिए, आने में समर्थ तो यहाँ से कर सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप वहीं पे जो टाइमिंग है वो शुरू कर दीजिए। यहाँ पर पीजी की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल होगी, गर्ल्स के लिए सेपरेट पीजी है, बॉयज के लिए सेपरेट पीजी है, ठीक है? पीजी का जो चार्ज होगा लगभग 4,500 से 5,000 पर मंथ आपके पीजी का चार्ज होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 1 मंथ में अगर आप 8 से 9 घंटे कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करेंगे तो 1 मंथ में आपका जो 25-30 का जो WPM का जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन आपके रहता है तो आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या फोन करके इस नंबर पे आप उससे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो खास कर उन बच्चों के लिए जो एक असमंजस की स्थिति में है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा डेडिकेटली करना चाहिए, ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। और अगर जल्दी एग्जाम हो गया तो आपके पास सिर्फ पछतावा बचेगा कि खास मैं थोड़ा जल्दी कर लेता, मैं तो सर मेरे तो 18 की स्पीड आई है, 20 की चाहिए थी, मेरे सर 2 कम पड़ गई, इस तरह की स्टेटमेंट आपको नहीं बोलनी पड़े। उसके लिए आप, मैं कहूंगा आज से ही टाइपिंग जो है उसकी शुरुआत कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है उसे आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।